क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम सेंसलेस है क्या जो चीजें बच्चों को सिखानी चाहिए वो हम नहीं सिखाते इसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया है ठीक है मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूँ आपने जो भी वहां पढ़ा क्या वो अभी आप यूज कर रहे हो नहीं बेटर क्वेश्चन आपके जो लोग दोस्त वहां बने क्या वो अभी टच में आपके प्रोफेशनल नेटवर्क में नहीं काम आ रहे नहीं ज्यादा नहीं आ रहे राइट right? तो क्या मतलब है राइट mm. right? ना एजुकेशन काम का ना नेटवर्क काम का ना टीचर्स काम तो मैं जा क्यों रहा वाले समय को mm. आप अपने पैंसठ की उम्र के साल के बिताओ चार साल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं mm. पर आप अपनी पीक एनर्जी वो बच्चा बिलीव डेवलप करेगा जिसमें वो बच्चा अपने नए परस्पेक्टिव बनाएगा जिसमें वो बच्चा नए लोगों से मिलेगा जिसमें वो बच्चा दुनिया देखेगा उस टाइम पे उसको वहां क्यों डालना राइट right? और उसमें उसका अगर वो चार साल आपने बर्बाद कर दिए टेक्निकली टेक्निकलीफाई अ वर्ड तो आगे का तो आपने बिल्कुल टैक्ट खराब ही कर दी ना क्योंकि उसका सेल्फ एस्टीम कम हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया खुद से विश्वास खत्म हो गया सुसाइड करने का थॉट सारे डिप्रेशन में बंदा चला गया डिस्ट्रैक्शन है पूरी दुनिया उसकी तो ये आगे का तो पूरा खत्म गया और फिर जब बाहर निकला तो ऐसे माइंड से निकला कि जहाँ पर उसको जॉब ढूंढनी है जिसमें करोड़ों लोग करोड़ों लोग लगे हुए हैं करेक्ट मैं लकीली खुद को मानता हूँ कि मेरा नेटवर्क पहले अच्छा रहा hmm. ये दोस्तों से जो जिनने सिखाया hmm. और उसके बाद जो जो ये नेटवर्क था तो जब मैं कॉलेज में आया तो छह महीने के अंदर तक इम्पैक्ट किया नहीं मेरे को क्योंकि मैं चार साल वो सीख रहा हूँ hmm. और क्योंकि छह महीने निकल गया वहां से तो मेरा माइंड सेट वो ही नहीं राइट hmm. right? तो यू आर एवरेज ऑफ फाइव पीपल यू वही hmm.